नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं सर्दियों के लिए तीन अद्भुत हेयर मास्क बताऊंगी। सर्दियों में हमारे जो बाल है वो बहुत ही रूखे सूखे हो जाते हैं ठंड के कारण, और रूखे सूखे बालों में डैंड्रफ हो जाता है, और डैंड्रफ की वजह से हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम पक्का हो जाती है। हेयर फॉल की वजह से हमारे बालों का जो रूखापन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि दिखने में भी बहुत ही गंदा दिखता है। पर आज मैं आपको इस वीडियो में तीन ऐसे हेयर मास्क की रेसिपी बताऊंगी जिनकी वजह से आपके बाल काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे और हेयर फॉल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो को हम देखेंगे। पर दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आती हूँ। तो आइए इस वीडियो को हम देखेंगे। तो सबसे पहला हेयर मास्क मैं आपको बताऊंगी मजबूत और शाइनी बालों के लिए। आपको रात में सोने से पहले थोड़ी सी मेथी को भिगोकर रखना है और सुबह उठकर उस मेथी को पीस लेना है, और उस पीसे हुए मेथी में आपको थोड़ी सी बूंदे सरसों की तेल की मिलानी है। फिर उस पेस्ट को अच्छे से मिलाकर इस पेस्ट को आपको अपने बालों पर 10 से 15 मिनटों के लिए लगाते हुए मसाज करना है, और उसके बाद आधे घंटे के लिए अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपने बालों को किसी हर्बल शैम्पू से धो लेना है। अगर हफ्ते में दो बार आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके बाल काफी शाइनी और बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको ओटमील वाला हेयर मास्क बताऊंगी, जिसकी मदद से आपके बालों का जितना भी ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगा और जो आपके बाल है वो बहुत ही स्ट्रांग और हेल्दी बन जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए ओट्स। ओट्स को आपको दूध में डालना है और इसे अच्छे से भिगोकर रखना है, और उसके बाद मिक्सर में पीस लेना है। अभी ये ओटमील वाला मास्क तैयार है, इसे अपने बालों पर लगा लेना है। पर इसे लगाने से पहले अपने बालों को कंघी कर लीजिए और उसके बाद 20 मिनटों के लिए इसे अपने बालों की जड़ों में लगे रहने दीजिए। उसके बाद आपको किसी हर्बल शैम्पू से अपने बालों को धो लेना है। ऐसा करने से आपके बाल बहुत ही शाइनी और बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे, साथ ही साथ आपका जो हेयर फॉल है वो भी रुक जाएगा और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही इफेक्टिव हेयर मास्क है, एक बार जरूर करके देखें। इसके बाद मैं आपको दूसरा हेयर मास्क बताती हूँ जिसके लिए आपको चाहिए केला और जैतून का तेल, मतलब ऑलिव ऑयल। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हमारे बालों के लिए बहुत ही पोषक वाले होते हैं। इनकी वजह से हमारे बालों में पोषक तत्व तो मिलते ही है, साथ ही साथ ये हमारे बालों में बहुत अच्छा सा शाइन भी डालते हैं। केला और जैतून के तेल को अच्छे से मिला लीजिए और इस मिक्सचर को अपने बालों के जड़ों पर और बालों पर लगभग आधे घंटे के लिए लगा कर रखिए। उसके बाद किसी हर्बल शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए। हफ्ते में एक बार इस प्रयोग का उपयोग जरूर करिए। ऐसा करने से आपके बालों का जितना भी डैंड्रफ है वो तो खत्म हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपके जो बाल है बहुत ही शाइनी और बहुत ही सुंदर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको कुछ और हेयर टिप्स भी बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपके बाल बहुत ही सुंदर और अच्छे रहे तो आपको अपने आहार में प्रोटीन का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। प्रोटीन के सेवन की वजह से आपके जो बाल हैं वो मजबूत हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, और जो बालों का हेयर फॉल है वो भी कम हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि आपको अपने हेयर मास्क के साथ साथ अपने खाने पीने का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे तीन हेयर मास्क की रेसिपी जो कि मैंने आज आपको बताई, और इनकी वजह से आप अद्भुत चमक अपने बालों में पा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।